आइडेंटिफायर वेरिएबल और दो रिकॉर्ड सेट्स जो भी आपका यूज होता है, कैरेक्टर सेट एज लाइक अदर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन गो लैंग्वेज ऑल्सो वी हैव लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर कीवर्ड्स डेटा टाइप, बट हियर द वे इन विच वी आर एक्सप्रेसिंग द डेटा टाइप विल बी चेंज्ड फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो टिल नाउ. तो आप ऑलरेडी सी पढ़ चुके हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी आप करेक्टर सेट यूज किए होंगे, ठीक है ना. सी प्लस प्लस में भी करेक्टर सेट कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हैं, तो आइडेंटिफायर का रूल रेगुलेशन यू ऑलरेडी नो अबाउट द आइडेंटिफायर, ठीक है ना. तो देयर इज स्पेसिफिक रूल इन सी ऑल्सो इन सी प्लस प्लस ऑल्सो. स्पेसिफिक रूल्स वी हैव टू फॉलो वेन एवर वी आर इन द प्रोसेस टू यूज एनी आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स. और यू कैन से एनी नेम लाइक एरे नेम, फंक्शन नेम. तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, एंड एट द सेम टाइम देर इज ए की वर्ड विच इज ट्रीटेड एज रिजर्व वर्ड, एंड यू कैन नॉट यूज दैट की वर्ड एज ए आइडेंटिफायर. तो किसी की वर्ड का जो है यूज आप आइडेंटिफायर नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. सेम थिंग सी प्लस प्लस पे भी सेम रूल्स यू हैव टू फॉलो. तो बिकॉज सम ऑफ द फंक्शंस आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज हियर, तो रूल्स आर अकॉर्डिंगली वी यूज दैट रूल्स. तो लास्ट क्लास में यू जस्ट मेक योर सेल्फ फ्रेंडली कि यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर. बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एनी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द फर्स्ट स्टेप बबलू कुमार, पहला स्टेप क्या होता है? What you need before writing a program initially, what is the IDE, first priority you have to set? Anyone? IDE, sir. बोलिए. सर हम लोग मतलब सर किस प्रकार का सर? हाँ, सबसे पहले आपको कोई टेक्स्ट एडिटर का जरूरत होगा. अगर गो इंस्टॉल किए हुए हैं तो टेक्स्ट एडिटर हमने लास्ट क्लास बताया था आपको कि आप नोट पैड भी यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं. वीएस कोड यूज करने से आपको एक आईडी मिलेगा जहां पर आप प्रोग्राम का कोड और एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है ना. इसके अलावा प्ले ग्राउंड है, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो गूगल ने एक प्ले ग्राउंड प्रोवाइड किया है जहाँ पर आप रन कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को इफेक्ट देख सकते हैं जो भी आप चेंजिंग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में. तो नोट पैड में जैसे HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, डॉट HTML से सेव करते हैं. नोट पैड से मैंने करके बताया था ना लास्ट क्लास में. हैं? नहीं बताया, नहीं बताया था. तो नोट पैड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. हाँ, नोट पैड जस्ट टाइप नोट पैड because it is also used as editor. So there is one program, I just execute that program. You can write your program as like a program you write in write the program in HTML, ठीक है ना. तो कोई एक प्रोग्राम है, अभी यहाँ पर अभी डेटा टाइप ये सब बहुत सारा फंक्शन भी लिया गया इस प्रोग्राम में. इन अदर बैच आई डिस्कस दैट पोर्शन. तो सपोज दिस इज द पर्टिकुलर प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम रिटन इन गो लैंग्वेज. आपको नोट पैड में सेम सिंटेक्स फॉर्मेट यूज करना है. अभी हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे. और इस फाइल को सेव करना है डॉट गो से. जैसे HTML फाइल लिखते हैं ना, उसी तरह से लिखना है प्रोग्राम नोट पैड में और उसको डॉट गो से सेव कर लेना है. सेव करने के बाद यू नीड अ कमांड प्रॉम्प्ट. यहाँ पर यही चीज है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा. कमांड प्रॉम्प्ट पर अब ये जो जो फाइल आप जहां सेव किए हैं उस ड्राइव में, तो ये मेरा फाइल जो है डी ड्राइव में सेव है. तो सबसे पहले उस ड्राइव में जाना पड़ेगा. उस ड्राइव के अंदर जो फोल्डर, एक फोल्डर है गोलैंग नाम का फोल्डर, तो गोलैंग नाम के फोल्डर में जाएंगे और फिर इस फाइल का नाम है PROG1.go. तो PROG1.go इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका कमांड है वही है गो रन और उसके बाद PROG1.go. तो यू विल गेट द आउटपुट ऑन दिस प्रॉम्प्ट.
व्हेन यू रन इट इंटर प्रेस करने पर आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट होगा, अब इस प्रोग्राम में क्या था कि एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक सम नाम का फंक्शन। यहाँ क्या है कि आप मेन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन बनाएंगे प्रोग्राम में उसको फंक से प्रिसीड करेंगे। दूसरा डेटा टाइप, जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में भी लेंगे, सी में आप लेते थे कि डेटा का पैरामीटर जो लेते थे उसमें पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल फिर कॉमा से सेपरेट करके नंबर ऑफ वेरिएबल अगर है तो उसी तरह से लेते थे, तो इसमें थोड़ा रिवर्स है। यहाँ पर पहले वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल नेम पैरामीटर जो लेते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप, ठीक है ना। अगर ये दोनों सेम है यानी कि दोनों का डेटा टाइप सेम है तो इस केस में हम दो बार इसको लिखने से बच सकते हैं। यानी फ्लोट 64 इट इज द डेटा टाइप, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप, फ्लोट 64, फ्लोट 32, ठीक है ना, ये फ्लोट वेरिएबल के लिए है। उसी तरह से इंटीजर के लिए UNT8, UNT16 अलग अलग आपका डेटा टाइप यूज होगा। तो फ्लोट 64 इज द डेटा टाइप 64 बिट के लिए। अब वहां पर हम लोग क्या करते थे कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो फंक्शन के पहले नेम के पहले लेते थे, यहाँ पर पैरामीटर के बाद फंक्शन का ये रिटर्न टाइप हो गया। तो ये रिटर्न टाइप हम लिए, रिटर्न टाइप लेने के बाद रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ सेमी कॉलन एज ए सेपरेटर कभी यूज, टर्मिनेट के लिए सेमी कॉलन यूज नहीं करना है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो आप सी में भी कर रहे थे और सी प्लस प्लस में भी कंटिन्यू है, ठीक है। अब ये फंक्शन को अगर मेन में कॉल करना है तो अगेन पैकेज एफएमटी के अंदर ये एक्सपोर्टेड फंक्शन प्रिंटएलएन यूज किए और इसके अंदर सम फंक्शन को कॉल किए। इसमें सपोज यहाँ पर अगर हमको रन टाइम में वैल्यू लेना होगा तो इनपुट हम स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे आगे, अभी हम स्टैटिक कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर ले लिए और यही कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पास हुआ और वो वहां पर आउटकम जनरेट कर रहा। अभी हमने यहाँ चेंजिंग किया, वो चेंज भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आफ्टर चेंजिंग व्हेन यू एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम देन यू विल गेट द सेम आउटपुट, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोट 64 अगर दोनों का डेटा टाइप सेम है तो हम एक जगह लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? सर 101 क्यों प्रिंट करता है सर? यस 101 जो वहां प्रिंट कर रहा है वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला सर, 101 यहां दोनों को ऐड कर रहा है, 45 और 56 को ऐड करेंगे तो 101 होगा ना। यहां सम में दो पैरामीटर पास कर रहे हैं 45 56, तो ए प्लस बी होगा तो दोनों सम होके प्रिंट होगा ना। हाँ यस सर, इसीलिए वहां 101 प्रिंट कर रहा है। अब यहां वैल्यू चेंज कर दोगे, यहाँ पर वैल्यू अगर 4 और 5 कर दोगे तो 9 प्रिंट करेगा। जो पैरामीटर आप पास करेंगे उसी पैरामीटर को वहां रन करेगा, जो भी आप चेंज किए उसको एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो यू कैन यूज नोटपैड आल्सो बिकॉज इन जावा फॉर बिगिनर्स नोटपैड इज गुड टू नो द पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है ना। आप आईडी में डायरेक्ट काम करते हैं तो बहुत सारा सिंटेक्स आपका जो है वो फॉलो अप हो जाता है, तो यू डोंट कवर अप दैट सिंटेक्स, यू जस्ट राइट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको दूसरा एक चीज और है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आइडेंटिफायर का जो रूल आपका सी के लिए है, सी प्लस प्लस के लिए, वो रूल यहाँ पर भी अप्लाइड है, ठीक है ना। तो ये तो इंटरफेस था, आप यहाँ पर वर्कआउट करेंगे, नोट पैड में भी लिखेंगे, बट बिफोर दैट अब इंटरफेस से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं प्रोग्राम। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग जो है थ्योरेटिकल जो पार्ट है यानी कि आइडेंटिफायर ये सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे फीचर्स एंड एग्जीक्यूशन पार्ट, तो यही काम आपको हर बार करना है, ठीक है ना। यही काम अभी किए कि डी ड्राइव में या आपका ई ड्राइव जो जिस ड्राइव में आप उस फाइल को सेव करेंगे नोटपैड में लिखने के बाद उसी ड्राइव से उसको रन भी कराना है और गो आपका इंस्टॉल्ड रहेगा। जो सी ड्राइव में आपका गो इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट कर लिए होंगे, अगर वीएस कोड में भी इंस्टॉल किए होंगे तो आपके सिस्टम में गो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका गो लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करेगा। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट सम प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सी प्लस प्लस में भी सी मोड में भी लिखते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जब क्लास का मोड लेते हैं तो वहां भी एक क्लास का एक स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इन ए स्मूथ मैनर।
So whatever you want to execute through the particular programming language, you will easily execute it, the particular objective once you have the proper program structure, which is to be followed for the particular programming language. So under Go programming language, there is several parts. Yani ki program structure ka several parts hai, jisme se kuch part hum log already abhi do teen program dekhe, to usme baar baar dekh rahe hain us part ko. Sabse pehla part kya hai? Package declaration. जो सबसे पहला लाइन हम लिखते हैं पैकेज मेन, तो पैकेज डिक्लेरेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन आफ्टर इंपोर्ट पैकेजेस, बिकॉज योर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन अंडर पैकेजेस, सारे जो यहाँ पर एक्टिविटीज है वो पैकेजेस के थ्रू आपका एग्जीक्यूट हो रहे हैं. तो यू हैव टू इम्पोर्ट पैकेज एज लाइक हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो, जैसे आप कर रहे थे सी, सी प्लस प्लस में भी आयो स्ट्रीम, और अगर जरूरत पड़ा कोई फंक्शन का स्टूडियो का तो studio.h, ठीक है ना, math.h, string.h, ये जो हेडर फाइल इंक्लूजन आप सी सी प्लस में कर रहे हैं उसी के तौर पर यहाँ पर इंपोर्ट पैकेजेज होगा. तो लाइक जैसे फॉर्मेट पैकेज के लिए fmt, मैथमेटिकल पैकेज के लिए है मैथ, तो यहाँ जो हैश इंक्लूड लिखते थे वो काम यहाँ पर हम इम्पोर्ट से करेंगे, जावा में भी इम्पोर्ट यूज होगा. दूसरा, यहाँ पर एक प्रोविजन आपके पास है कि सी और सी प्लस में वो नहीं था. सी सी प्लस प्लस में क्या नहीं था कि हैश इंक्लूड, अगर आपको मल्टीपल फंक्शन हेडर फाइल को इंक्लूड करना था तो यू कैन नॉट यूज अ सिंगल हैश इंक्लूड टू इंक्लूड सेवरल हेडर फाइल. बट इन केस ऑफ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव अ प्रोविजन टू इंक्लूड और इंपोर्ट सेवरल पैकेजेस इन द सेम विद द सेम इंपोर्ट कीवर्ड. तो इंपोर्ट करके जो है fmt और मैथ को हम अलग अलग भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और पैरेंथिसिस के अंदर डबल कोट के अंदर आप चाहें तो जितना, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथिसिस के बीच में जितने भी आप पैकेजेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, वो सारे पैकेजेस को आप इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ दो पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, fmt और मैथ, तो यहाँ fmt और मैथ को आप अलग अलग भी इंपोर्ट कर सकते हैं. और गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोविजन है कि आप इसको पैरेंथिसिस के अंदर मोर देन 2, 3, 4, 5 पैकेजेस को एक साथ इंक्लूड किया जा सकता है. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शन. फंक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. फंक्शंस आपका सी में भी पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में भी पढ़ेंगे. सी में आप पढ़े होंगे कि फंक्शंस बेसिकली कितने तरह का होता है? दो तरह का. एक जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है और एक जो आप कस्टमाइज अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिजाइन करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो यहाँ पर भी फंक्शंस, थर्ड जो आपका पार्ट है फंक्शन, अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन आप नहीं बना रहे हैं प्रोग्राम में तो एटलीस्ट एक मेन फंक्शन होगा. यस सर. तो फंक्शन यहाँ पर जब मेन होगा तो मेन जो है वो फंक से आपका जो है प्रिसीड होगा. मेन फंक्शन जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैस और क्लोजिंग ब्रैस के अंदर, जो मेन के अंदर जो भी आप करना चाहते हैं वो लिखेंगे. अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो नाम आप कस्टमाइज लेंगे उसको भी फंक से प्रिसीड करेंगे, ठीक है ना. तो दोनों चीज है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी फंक कीवर्ड से प्रिसीड करना है फंक्शन के लिए, और मेन फंक्शन के आगे जो है फंक लगाना ही है, और बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा. नेक्स्ट पार्ट इज द वेरिएबल्स. जब आप फंक्शन लेंगे, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन लें या मेन फंक्शन लें, तो उसमें किसी तरह का प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ वेरिएबल्स. So for declaring variables, you need a data types. We just discussed one by one that data types, identifier, variable naming convention. And then after, jab variable aap lenge, then after there is a concept of a statement and expressions. Because that statement and expression is basically used to execute the procedures through the particular variables. So variables, agar aap factorial nikalna, aapko koi program factorial ke liye likhna hai, to variable aap factorial ke basis par lenge. और उसी वेरिएबल के लिए फैक्टोरियल का जो स्टेटमेंट या प्रोसीजर्स आप डिजाइन करेंगे वो प्रोसीजर्स आपके आउटकम को जनरेट करेगा. सबसे लास्ट में यहाँ पर कमेंट्स लिखा हुआ है, बट कमेंट्स इज प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है ना. कमेंट्स को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. एंड कॉमेंट्स लेने का जो प्रोसेस है वो जैसे आप सी प्लस प्लस और सी में, चूंकि ये सी सी प्लस प्लस के बाद गूगल ने सी और सी प्लस प्लस दोनों चीज को, इन्वेंटर जो थे इसके गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो दोनों से कुछ पार्ट को लिए, कुछ चीज को एक्सक्लूड किए. तो जो इंक्लूडेड पार्ट में कमेंट्स जो है वो सी प्लस प्लस में आप दो कमेंट यूज कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं?
हाँ, तो सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन के लिए स्लैश स्लैश यूज करते हैं, दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस वन इज द मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर मल्टीपल लाइन को कमेंट लाइन में डालना है तो स्लैश एस्ट्रिक्स करके और जहां तक आपको कमेंट में रखना है वहां फिर एस्ट्रिक्स स्लैश कर देंगे एट द एंड। तो ये दोनों कमेंट आपका जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जो सी प्लस प्लस में भी आप यूज करेंगे। अगर टर्बो सी कंपाइलर पर रन किए होंगे सी का प्रोग्राम तो वहां पर ये आपका सिंगल लाइन कमेंट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर सी का प्रोग्राम रन किए होंगे तो वहां पर ये आप दोनों यूज किए होंगे, ठीक है ना। सिंगल लाइन कमेंट भी यूज किए होंगे और मल्टी लाइन कमेंट भी यूज किए होंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी जस्ट टेक वन एग्जांपल एंड डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर गो प्रोग्राम। तो सबसे पहला तो ये कमेंट है, कमेंट में आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, लाइक फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग गो लैंग्वेज। देन फर्स्ट सबसे पहला लाइन क्या होगा, पैकेज मेन, दैट इज द पैकेज डिक्लेरेशन। तो पैकेज मेन, देन वी इंपोर्ट पैकेजेस, वट एवर पैकेजेस वी वॉन्ट टू एक्सेस इन द पर्टिकुलर विद इन द मेन फंक्शन। तो इंपोर्ट FMT इज द फॉर्मेट पैकेज, पहला पैकेज इंक्लूड किया है। जैसे आप स्टूडियो और कोनियो को यूनिवर्सल हेडर फाइल मान के चलते हैं कि ये दोनों तो यूज करेंगे करेंगे, तो FMT आपको यूज करना ही करना है प्रोग्राम में फॉर्मेट के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप अगर मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे तो मैथ, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे तो स्ट्रिंग, ये सारा इंक्लूजन आपका टाइम टू टाइम इसमें होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन फंक्शंस के पार्ट में अगर सिंगल फंक्शन है तो मेन होगा, मेन फंक्शन के पहले फंक कीवर्ड लगेगा, और FMT पैकेज का जो है एक्सपोर्टेड फंक्शन प्रिंट एलन यहाँ यूज किया गया है। तो जितना भी एक्सपोर्टेड फंक्शन, यहाँ प्रिंटेफ भी हम यूज कर सकते हैं जो सी से एक्सपोर्ट किया गया, प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, जो भी आप यूज करेंगे ये एक्सपोर्टेड है। तो सी में आप प्रिंटेफ जैसे यूज करते थे तो उसमें पी कैपिटल होता था या स्मॉल? स्मॉल काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इट विल नॉट वर्क। तो आपको इस का ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपोर्टेड है, जैसे फॉर्मेट में पैकेज में ये एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रोसीजर, तो इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। बाकी का जो सिंटेक्स एज इट इज है, जैसे सी सी प्लस प्लस में आप कर रहे थे, तो सी में अंतर सी के जैसा ही है ये। सी प्लस प्लस में तो आप सी आउट और सी इन यूज कर रहे होंगे, तो वहां इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट एलन ये आपका सी का के जैसा ही है, डबल कोट के अंदर जो मैसेज लेते हैं वैसे ही लिखेंगे। स्कैप सिक्वेंस जो जैसे सी में यूज करते थे वैसे ही सी प्लस प्लस में भी यूज करेंगे। तो स्कैप सिक्वेंस भी आपका मोर ऑर लेस सारा यहाँ यूज होगा, जैसा आप न्यू लाइन टैब यूज कर रहे थे वो सारे यहाँ पर भी यूज होंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे मेजर चेंजिंग किया गया है गो लैंग्वेज में कि द स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रेस इंटर की योर स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड, नो नीड टू प्लेस एनी सेमी कॉलन ओवर देयर, एंड देन क्लोजिंग ब्रैस करेंगे तो बंद होगा। दूसरा यहाँ पर अब पैकेज क्या डिफाइन करता है, जस्ट मेंशन हियर that it defines the package name in which the program should lie. आपका जो entire program है जिस package के अंदर में रहेगा वो ये package main represent करता है। जैसे आप C, C++ में pre-processor directive use करते थे तो import जो आपका है वो यही काम के लिए है। It is a pre-processor command which tells Go compiler to include the files lying in the package FMT. जैसे आप सी में printf scanf यूज करने से पहले studio.h इंक्लूड करते थे तो इट इज द प्री इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंपाइलर दैट यू आर गोइंग टू यूज printf एंड scanf फंक्शन एंड दैट इज डिफाइंड अंडर द हेडर फाइल studio.h, बिकॉज studio.h इज व्हाट, इट इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो व्हेनेवर यू वांट टू यूज printf एंड scanf फंक्शन यू नीड टू इंक्लूड दैट हेडर फाइल टू गिव प्री इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर दैट you are going to use printf and scanf function. Similarly here, whenever you want to access any exported function under format package, then you just give information to the Go compiler that you need to access certain exported function under the format package.
तो FMT is must be imported over there. So that is the starting point of the particular program. ठीक है ना? Now यहाँ तक में किसी को दिक्कत? No sir. No. Sir. Now, yes, sir. हाँ. कोई दिक्कत नहीं है ना? Import FMT के बगल में. हाँ क्या? Hello. Sir अगर अगर import FMT के बगल में अगर math लगाए सर लाइब्रेरी तो चलेगा? अच्छा ये FMT के साथ मैथ एक ही लाइन में बिल्कुल बिल्कुल रहेगा. एक मिनट ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ठीक है एक ही साथ ये दोनों आपका काम कर सकता है. ठीक है ना सर? इसको सेकंड लाइन में लिखना जरूरी है? किसको सर? जैसे FMT के नीचे मैथ लिखे हैं, दोनों को साथ में नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ये आप कहना चाह रहे हैं? यस सर. तो परसेंट जी तो ये करना चाह रहे हैं ना? यस सर. नहीं ये सेम लाइन में आपको इसलिए चेक कर लीजिए, बट सेम लाइन में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना नंबर ऑफ पैकेज इंसर्ट कर रहे हैं ना, सारे पैकेज आपका लाइन आपका जो चेंज कर रहे हैं उससे टर्मिनेट हो रहा है. यहाँ चूंकि कॉमा सेपरेट नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर व्हेन यू एग्जीक्यूट जस्ट सी एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, तो यहाँ पर अगर जस्ट मेंशन हियर सेमी कॉलन यहाँ लेता है कि नहीं, अब जैसे ही सेमी कॉलन लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो लाइन चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? इसलिए अलग से वो सेमी कॉलन अब रिफ्लेक्ट होगा नहीं आपका, तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी आप हेडर फाइल लेंगे तो वो ऑटो सिंटेक्स आपका कंपाइलर ऑटो उसको करेक्ट कर देगा. अगर सेमी कॉलन नहीं लेते तब ये दिक्कत था, सेमी कॉलन लिए तो आपका वो ऑटो करेक्ट कर दिया. तो ये आपको हर बार अगर अगर स्ट्रिंग यूज करना होगा तो फिर लाइन चेंज करके ही यूज करना होगा. तो वो लाइन जो चेंज हुआ ना वही उसका सेपरेटर का काम कर रहा है. समझ रहे हैं ना? अलग से आपको इम्पोर्ट हुआ
नहीं पढ़ रहा है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस. नाउ इट इज ओके सर. परसेंट जी यूज किए थे सर. यस नाउ टुडे विल डिस्कस द बेसिक सिंटैक्स रिलेटेड टू द गो. The basic syntax. So under basic syntax, first of all, कोई भी programming language में आप programming जब करते हैं तो सबसे पहला चीज आप C में भी पढ़ रहे होंगे tokens. Yes sir. What is tokens? Token is smallest unit. हाँ. Smallest unit of the program. Go programming language contains several tokens. ठीक है ना? सेवरल टोकेंस का मतलब है कि आपका हर लाइन एक प्रोग्राम एक स्टेटमेंट के अंदर एक प्रोग्रामिंग जो आप जो सीक्वेंस लिख रहे हैं उसमें हर सेगमेंट आपका जो एक स्टेटमेंट के अंदर वेरियस टोकेंस हो सकता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरियस टोकेंस का मतलब कि आप या जैसे बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्ट, तो स्मॉलेस्ट बहुत सारा पार्ट होता है, तो जितने भी पार्ट उस स्टेटमेंट में होंगे सबको टोकेंस ट्रीट किया जाएगा. तो यू जस्ट मेंशन हियर कि अ गो प्रोग्राम A Go program consists of various tokens. ठीक है ना? अब ये टोकन कैसे हो सकता है? A token is either, ठीक है ना? अब टोकन क्या क्या हो सकता है? Either a keyword, ठीक है ना, कीवर्ड हो सकता है, एंड आइडेंटिफायर, एंड यू कैन आल्सो से ए कांस्टेंट को भी आप टोकन ट्रीट करेंगे. कांस्टेंट भी वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग्स, देन स्ट्रिंग लिटरल डेटा टाइप. हाँ, स्ट्रिंग लिटरल जो भी आपका स्ट्रिंग लिटरल ले रहे हैं, डेटा टाइप और सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल जो यूज कर रहे हैं, ऑल आर ट्रीटेड एज स्पेशल कैरेक्टर डेटा, ऑल आर ट्रीटेड एज ए टोकन. है ना? तो टोकन आपका कीवर्ड हो सकता है, आगे कीवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. कीवर्ड इज द रिजर्व वर्ड. और आइडेंटिफायर भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू ले रहा है वो भी हो सकता है. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका, टोकन को समझना है तो इस एग्जाम्पल को अगर देखें कि हमने एक प्रोग्राम एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेन फंक्शन में एक स्टेटमेंट लिखा है fmt.println, ठीक है ना, fmt.println, ठीक है ना, वी जस्ट मेंशन हियर वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज not semicolon, आदत semicolon गलत लगता है. सर दे देंगे semicolon तो नहीं होगा सर? Yes, semicolon दे देंगे तो नहीं होगा, नहीं करेगा सर. हाँ, क्या बोल रहे थे? semicolon. सर बोल रहा है सेमीकोलन दे देंगे तो काम नहीं हो पाएगा वहां पे लास्ट में. सेमीकोलन दोगे तो फिर सेमीकोलन को टर्मिनेट कर देगा ना. सेमीकोलन यहां एज ए कंपाइलर जो सिंटैक्स है, सेमीकोलन नहीं देना आपको, ठीक है ना. ऑटोमेटिकली जब इंटर की प्रेस करिएगा तो आपका वो लाइन टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट के लिए ही ना सेमीकोलन देते हैं. यस सर. तो टर्मिनेट यहां ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली काउंट कर लेता है. अब यहां देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें कोई बता सकते हैं हाउ मेनी? टोकेंस प्रेजेंट इन द अबव स्टेटमेंट. कितना टोकेंस प्रेजेंट है इस ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें कितना नंबर ऑफ टोकन है, कोई बताएंगे? 4 सर. 4. और कोई?
दो सर. फोर इज द फाइनल. थ्री सर. थ्री. थ्री सर. थ्री सर. थ्री. थ्री फोर. और बोलिए. एक टू ही बोला है सर. थ्री सर. थ्री बोले, फोर बोले, फाइव भी बोल दीजिए, टू भी बोल दीजिए. फिक्स बताइए, फाइनल. अगर हम ये टोकन जो है हमारा कीवर्ड आइडेंटिफायर कांस्टेंट स्ट्रिंग लिटरल सिंबल सब होता है, उसके बेसिस पर आपको बताना है कि इस ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें हाउ मेनी टोकन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ, यू कैन से हाउ मेनी टोकन्स, टोकन्स आर प्रेजेंट. हाँ ठीक है. हाउ मेनी टोकन्स प्रेजेंट, हाउ मेनी टोकन्स प्रेजेंट इन द अबव स्टेटमेंट. नंबर ऑफ टोकन्स आपको बताना है. देखिए ना, फोर है ना थ्री है, ठीक है. ये जानना जरूरी है आपको. तो नंबर ऑफ टोकन्स कितना है? नंबर ऑफ टोकन्स इज इक्वल टू सिक्स. टोटल नंबर ऑफ टोकन्स सिक्स. अब देखिए कैसे है, आप इसको ब्रेक करिए. नंबर ऑफ टोकन्स, टोकन नंबर वन, टोकन नंबर वन इसमें है एफ एम टी. एफ एम टी इज द टोकन नंबर वन. टोकन नंबर टू इज डॉट, आफ्टर डॉट. टोकन नंबर थ्री, टोकन नंबर थ्री इज प्रिंट एलन. टोकन नंबर फोर इज ब्रैकेट पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस इज टोकन नंबर फोर. टोकन नंबर फाइव इज the string welcome to Go programming language. Double quote के अंदर जो string लिखा, that is token number 5. And token number 6 is close parenthesis. Are you getting the point? Yes sir. How the token work here? इस मैनर टोकन वर्क्स, ठीक है. तो इस एक स्टेटमेंट को लिखने में नंबर ऑफ टोकन्स यूज हुआ, ठीक है ना. नाउ व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट यू आर नॉट यूजिंग एनी सेपरेटर. सेपरेटर का यूज नहीं किए. अब यहाँ सेपरेटर का यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट वी डिस्कस. यहाँ किसी को डाउट नहीं है ना इसमें कैसे टोकन लिया गया? ओके, देन नेक्स्ट वी डिस्कस लाइन सेपरेटर, ठीक है ना. लाइन सेपरेटर आपका जो है प्रोग्राम में, यहाँ पर लाइन सेपरेटर क्या है कि जब भी कोई लाइन आप लिखते हैं इंटर की प्रेस करेंगे वो सेपरेट हो जाता है लाइन. लेकिन लाइन सेपरेटर के रूप में यू कैन यूज एलएन, ठीक है ना. तो जब भी प्रिंट यूज करेंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर जो है अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो उसको एडजॉइंट कर देगा, ठीक है ना. अगर प्रिंट लिखेंगे तो सेम लाइन में एडजॉइंट कर देगा. जैसे अगर हम इसको यहां देखें, लाइन सेपरेटर को अगर देखना है तो हियर यू जस्ट सी, जब हम लोग यहाँ प्रिंट एलएन नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, जस्ट सी हियर व्हेन यू राइट द प्रोग्राम. दिख रहा है स्क्रीन? यस सर. देखिए जब हम प्रिंट लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हेलो स्क्वायर रूट जो भी है पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि यहाँ न्यू लाइन ले लिए. अगर इस स्केप सीक्वेंस को हटा दें तब क्या होगा, क्योंकि स्केप सीक्वेंस आपका काम कर रहा है. जस्ट सी कि ये आप नंबर ऑफ लाइन लिखते चले जाएंगे आपका वो ज्वाइन करते जाएगा. अगर आप तीसरा लाइन भी लिखेंगे, ठीक है ना, तीसरा लाइन में भी कोई एक स्ट्रिंग अगर लिखेंगे, कंट्रोल सी,
तो यहां पर सपोज यहां लिख रहे हैं अगर वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे जस्ट सी ये तीनों लाइन आपका एक ही साथ एक ही लाइन में हो गया। तो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ लाइन सेपरेटर। तो प्रिंट अगर प्रिंट के साथ जैसे ही प्रिंट एलएन करेंगे तो ये लाइन को सेपरेट कर देगा। अभी एक एलएन यूज किए, एक एलएन यूज किए तो आपका हेलो के बाद जो आपका है नेक्स्ट जो दो लाइन का दो स्टेटमेंट है वो आप ज्वाइन करके आ रहा है। तो इसीलिए जब दूसरे को भी अगर सेपरेट करना होगा तो एलएन यूज कर लेंगे। अब आपका तीनों सेपरेटेड हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अगर प्रिंट एफ यूज करेंगे तो सर? यस। अगर प्रिंट एफ यूज करेंगे तो? प्रिंट एफ यूज करेंगे तो फिर एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे। सब कुछ आ रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज बताएंगे, ठीक है ना। प्रिंट एफ में भी जाएंगे। प्रिंट एफ अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर अभी था ना न्यू लाइन में जा रहा था ना कर्सर। और अगर यहाँ न्यू लाइन यूज करेंगे तो न्यू लाइन आपका जो कॉन्सेप्ट है सी से लिया गया है। सी में कहीं कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में फॉलो अप किया गया। जो सी प्लस प्लस इज व्हाट? सी प्लस प्लस इज द इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द सी। तो व्हेनेवर इनहेरिटेंस अकर तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? ऑल ओल्ड फीचर्स आर यूज्ड अलोंग विद सम न्यू फीचर्स। तो व्हाट इज न्यू इन सी प्लस प्लस? तो ऊप्स फीचर्स यानी क्लास इंक्लूजन इज द न्यू। क्लास जो आप इंक्लूड किए सी प्लस प्लस में वो आपका नया है, वो उस फीचर्स को फॉलो अप करता है। अदर देन क्लास व्हाटएवर प्रोग्राम यू आर रिटन इन द सी लैंग्वेज सेम प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ऑन सी प्लस प्लस कंपाइलर ऑल्सो व्हेनेवर यू राइट द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस मैनर, ठीक है ना। व्हेनेवर यू सेव योर प्रोग्राम विद डॉट सीपीपी एक्सटेंशन। तो इट इज क्लियर लाइन सेपरेटर। तो लाइन सेपरेटर हाँ, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है। तो ये जो लाइन सेपरेटर है वो प्रोग्राम में आप बोल सकते हैं इट इज यूज्ड एज ए यू कैन से स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम भी करता है। कि आप स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए वहां सेमी कॉलन लेते थे, यहाँ कोई सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वी नेवर यूज सेमी कॉलन टू सेपरेट द लाइन। वी ऑलवेज यूज लाइन सेपरेटर इन द फॉर्म ऑफ न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंसेस और प्रिंट एलएन। एलएन का यूज करेंगे लाइन सेपरेटर के फॉर्म में। तो इन्हें गो प्रोग्राम यू कैन मेंशन हियर द लाइन सेपरेटर की इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर दैट इज इंडिविजुअल स्टेटमेंट डोंट नीड अ स्पेशल सेपरेटर लाइक सेमीकॉलन, ठीक है ना। इन सी सी में या सी प्लस प्लस भी बोल सकते हैं इन सी और सी प्लस प्लस, ठीक है ना। जो सी और सी प्लस प्लस जो सेमी कॉलन टर्मिनेट करते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में भी हम लोग सेमी कॉलन लेते हैं और टर्मिनेट करने के लिए सी आउट या सी इन स्टेटमेंट जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी स्टेटमेंट हमारा लिखा जाता है। तो ये आपका गो कंपाइलर क्या करता है, ये सेमी कॉलन का काम इंटरनली करता है। जिस चीज को अभी हम लोग देखे ना वहां पर पैकेज को जब टर्मिनेट किए सेमी कॉलन से तो सेमी कॉलन को स्किप कर दिया है, सेमी कॉलन का काम वो ऑटोमेटिकली कर लिया। तो यहाँ मेंशन ये पॉइंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सेमी कॉलन तो काम कर रहा है आपका लेकिन सेमी कॉलन एक्सटर्नली नहीं कर रहा है, इंटरनली यहाँ पर काम कर रहा है। तो द गो कंपाइलर इंटरनली प्लेसेस
internally places semicolon, you can mention semicolon as the statement terminator. इसको externally ये represent नहीं करता है terminator to indicate the end of one logical entity. यानी आपका एक स्टेटमेंट खत्म हुआ मतलब एक लॉजिकल एंटिटी का एंड हो गया, तो ये आपको प्रूव करता है एक एंड ऑफ द लॉजिकल एंटिटी. एग्जांपल में अभी जो हम लोग देखे उसी पर एग्जांपल आप ले सकते हैं. जब नंबर ऑफ सेपरेटर यूज किए तो हर बार हम लोग क्या कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल एफएमटी डॉट प्रिंट एलएन हेलो, ठीक है, और एफएमटी प्रिंट एलएन, ठीक है ना, और कोई भी स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ पर वेलकम टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. तो ये एलएन आपका क्या कर रहा है, एक तरह से लाइन को सेपरेट करने का काम कर रहा है. ये हम लोग देख लिए एग्जांपल में, क्लियर है? यस सर. सर about the line separator, can I say it is about the line separator, can I say line separator is used for the new line? Yes, you can use new line, you can also use new line works here, theek hai na, in place of new line println you can also write in this manner fmt print. So new line is the escape sequence na? Yes sir. न्यूलैंड का तो हम लोग आएंगे, न्यूलैंड को भी बात करेंगे. न्यूलैंड आपका एस्केप सीक्वेंस है. एफएमटी प्रिंट और यहां पर न्यूलैंड कर लेंगे. ठीक है ना, बोथ वर्क्स. क्लियर? Yes, sir. Now, next जो सेक्शन है हम लोग कॉमेंट्स, क्योंकि ये सारे आपको यूज करना होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो कॉमेंट्स का हम अभी बताए ही कि यहाँ पर दोनों तरह का कॉमेंट्स यूज होता है, मल्टीपल लाइन, ठीक है ना. तो आप मल्टी लाइन कॉमेंट्स को भी सिंगल लाइन कॉमेंट में यूज कर सकते हैं. तो कॉमेंट्स बेसिकली क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में? कमेंट्स के अंदर जो भी लिखते हैं ना, प्रोग्राम को समझाने के लिए सर, फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए. कमेंट ऐसा है सर जिस जो के है ना कंपाइलर में है ना उसका वर्क नहीं करता, मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है. हाँ, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है ना. अंडर स्टेटमेंट रिटन अंडर कमेंट्स इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, दैट्स व्हाई योर सोर्स कोड होल्ड दैट कमेंट्स विदाउट एग्जीक्यूशन, ठीक है ना. आपका जो सोर्स कोड है उसको होल्ड करेगा बिना एग्जीक्यूशन के, एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा, यही होगा. यस सर, इट इज यूज्ड फॉर एक तरह से असिस्टेंस का काम कर रहा है. तो इस गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि कमेंट्स आर हेल्पिंग टेक्स्ट फॉर प्रोग्रामर भी हो सकता है. अगर यूजर सोर्स कोड देखना चाहता है तो यूजर को भी वहां समझ में आएगा. तो कमेंट्स आर द हेल्पिंग टेक्स्ट और यू कैन से गिविंग असिस्टेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्रामर आल्सो, क्योंकि ये एक तरह से आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करता है. तो कमेंट्स आर हेल्पिंग टेक्स्ट इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट इन गो प्रोग्रामिंग, इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम सर. नाउ वी आर डिस्कसिंग गो, दैट्स व्हाई गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स एक हेल्पिंग टेक्स्ट के फॉर्म में हेल्पिंग आपका असिस्टेंस आपका जो है प्रोवाइड करता है, जिसको पढ़ने पर आपको समझ में आता है कि प्रोग्राम में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है. तो यू कैन मेंशन हियर, यहाँ पर कमेंट्स जो है वो इससे स्टार्ट्स होगा और इससे क्लोज होगा. तो स्टार्टिंग स्टार्ट्स एंड एंड हियर, ठीक है. तो मल्टी लाइन कॉमेंट जैसे यूज करते थे वैसे ही यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट और सिंगल लाइन दोनों यूज कर सकते हैं. और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे
वो आपका नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा, ठीक है ना। प्रोग्राम जो भी लिखते हैं, प्रोग्राम टू एड टू नंबर, तो जो भी टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप प्रोग्राम, जैसे सी सी प्लस प्लस में पहला लाइन में कमेंट डाल देते हैं कि दिस इज द प्रोग्राम टू परफॉर्म फैक्टर टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, टू चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, तो ये सारी चीज आप उसमें एज ए कॉमेंट डाल देते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर, वो केवल इंफॉर्मेटिक आपका रहेगा, यानी कि वो इंफॉर्मेशन केवल जानकारी के लिए आपका जो है प्रोग्राम में इंक्लूड रहेगा। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे, जो भी मैटर लिखेंगे, उसको डबल कोट के अंदर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट द इंफॉर्मेशन एंड इनक्लोज दैट इंफॉर्मेशन विद इन दिस टू सिंबल, ये दोनों सिंबल के बीच में उसको रखेंगे, ठीक है। तो यू कैन यूज इट एज ए सिंगल एज वेल एज मल्टी लाइन कॉमेंट बोथ, और सिंगल लाइन कॉमेंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स, तो जैसे सी सी प्लस प्लस में आप यूज किए, हम रूल दोबारा नहीं लिखने जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और जो रूल आपका सी सी प्लस प्लस में है आइडेंटिफायर के लिए, सी में क्या रूल है आइडेंटिफायर का, एनीवन, व्हाट इज द बेसिक रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉर आइडेंटिफायर इन सी एज वेल एज सी प्लस प्लस, बताइए कोई भी। सर स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता है। हाँ, और आइडेंटिफायर में कोई कीवर्ड नहीं हो सकता है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, तो हाँ, स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर एक यूज होता है, कैपिटल और स्मॉल केस दोनों लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है अंडरस्कोर हो सकता है या कोई अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है ना, डिजिट आपका पहला लेटर नहीं हो सकता, यानी कि पहला करेक्टर डिजिट नहीं लेना है, डिजिट को इन बिटवीन आप ले सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आपका वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकता है। तो हियर आल्सो ए गो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द डिफरेंट सेक्शन, जैसे कोई भी नेमिंग करना है, एरे का नाम, फंक्शन का नाम, ऑल आर ट्रीटेड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल का नाम, ठीक है ना, तो सबको आइडेंटिफायर के रूप में ही ट्रीट किया जाता है। तो अ गो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में पहले क्या क्या आता है, ए गो आइडेंटिफायर नेम इज यूज टू आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, उसके नाम से वेरिएबल, अ फंक्शन, एरे और एरे, सर एरे, और एरे स्ट्रक्चर, हाँ कोई भी, और एनी अदर, बहुत सारा फिर लिस्टिंग हो जाएगा, और एनी अदर यूजर, क्योंकि एरे भी यूजर डिफाइन करता है, एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, जिसको भी यूजर डिफाइन करेगा सबको आइडेंटिफायर के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। और एक ही लाइन यहाँ मेंशन कर दीजिए, जो दो रूल हम लोग अभी डिस्कस किए, एन आइडेंटिफायर must start, or you can say identifier starts with alphabet, alphabets or underscore as a special symbol, because this is the only special symbol used in the identifier, start hamesha wo ya to alphabet ya underscore se hi hoga, theek hai na, followed by zero or more letters, ठीक है ना, zero or more letters, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्लियर समझ में आ गया कि जो आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग क्या क्या लेंगे, पहला चीज अल्फाबेट, अल्फाबेट्स में ए टू जेड कैपिटल और ए टू जेड स्मॉल ले सकते हैं, ठीक है ना, अंडर स्कोर अंडर स्कोर लेते हैं, देन डिजिट्स 0 to 9, ये जैसे सी सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो आइडेंटिफायर का नाम जो है उसके लिए केवल यहाँ पर लिमिटेशन है कि आइडेंटिफायर जो है स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट या अंडर स्कोर से होगा, उसके बाद आप जो है लेटर या डिजिट्स
लेटर्स में या मोर लेटर्स और डिजिट्स, ठीक है ना, उसके बाद आप लेटर्स डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? नो सर। एग्जांपल एग्जांपल में आप जैसे सीसी प्लस प्लस में लेते हैं वैसे ही एग्जांपल एक अंडरस्कोर से करके ले लीजिए, जैसे अंडरस्कोर टेम ये एग्जांपल हो सकता है, एक्स वाई जेड एग्जांपल हो सकता है, एक्स वाई जेड अंडरस्कोर 1 2 3 एग्जांपल हो सकता है, ऑल आर द वैलिड गो आइडेंटिफायर, दिस इज द वैलिड गो आइडेंटिफायर। नेक्स्ट After identifier, most important part is the keywords. Sir, underscore के बाद number दे सकते हैं? बिल्कुल. Yes. Underscore 1 2 3 दे सकते हैं. ठीक है. So keywords, how many keywords are there in C? 32 sir. And what about C++? एक और चीज यहाँ मेंशन कर लीजिएगा कि आपका जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, है ना। तो ये भी जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टैटिकली टाइप हम लोग डिस्कस किए थे। स्टैटिकली टाइप का मतलब वही होता है कि आपका जो कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी दोनों डिफरेंटली यूज होगा, यानी ये एक कैपिटल से स्टार्ट हो गया तो ये अलग वेरिएबल होगा, और ये स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ तो ये अलग वेरिएबल होगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। yes, तो कीवर्ड्स 32 बताए और C++ में कितना बताए? 64 सर, 48 या 64 होता है सर। सी में आपका जो है ये 32 है, C++ में ये आपका 48 विच इज सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरी कंपाइलर and 15 more, that means total 63 or 64 keywords are there. So, ये common to all compiler है, ये specific compiler में काम करता है, जैसे name space using ये सब keyword आप use कर रहे हैं, उस turbo C++ compiler में उसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा using name space इस तरह का जो आपका keyword है, ऐसा और भी 12-13 keyword है, 15 keyword total है, जो commonly सारे compiler support नहीं करते हैं, स्पेसिफिक कंपाइलर पर रन करता है। तो टोटल ऑल अराउंड वी हैव कॉमन एंड स्पेसिफिक 63 कीवर्ड्स इन C++, है ना। इन सी वी हैव 32, दैट मींस वी हाउ मेनी कीवर्ड्स एनहांस, 32 प्लस 31 मोर कीवर्ड्स आर देयर इन C++। तो C++ में आपका ये 32 तो रहा ही, साथ में ये 31 भी जुड़कर 63 कीवर्ड्स टोटल हो गया कंपाइलर बेस में। तो यहाँ पर कीवर्ड्स जो है बेसिकली व्हाट इज द रोल प्ले बाय द कीवर्ड्स एंड व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ द कीवर्ड, कीवर्ड का स्पेशलिटी क्या होता है सर? ये प्री डिफाइंड होता है सर, कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होता है जिसका स्पेशल मीनिंग होता है सर, रिजर्व वर्ड, इसको हम दूसरे के तरह यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स ऑफ गो, इट इज अ रिजर्व वर्ड्स ऑफ गो प्रोग्रामिंग एंड प्री डिफाइंड होता है सर, कोई भी, हाँ प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, व्हिच हैव फिक्स्ड मीनिंग सर, व्हिच हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दीज रिजर्व वर्ड्स never be used या may not be used as किस तरह constant या variable या identifier, so these words may not be used as constant or variables or any other
एनी अदर आइडेंटिफायर नेम्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अलावा भी जो आइडेंटिफायर यूज करते हैं आइडेंटिफायर नेम्स. इज इट क्लियर? तो इसमें एक इसमें आप कुछ सेक्शन बना लीजिए. एक में डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ तो इसमें आप देखिए कुछ कुछ आपको की आपका कीवर्ड जो है कॉमन मिलेगा इसमें कीवर्ड्स ऑफ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है ना, तो कुछ कुछ कीवर्ड आपको सेम मिलेगा. सर हाउ मेनी कीवर्ड्स आवर देयर? सर हाउ मेनी कीवर्ड्स? सो ऑल अराउंड देयर इज नो मोर कीवर्ड्स एज लाइक अ सी सी प्लस प्लस लिमिटेशंस आर देयर. तो एटलीस्ट देयर इज टोटल वही 30 के आसपास होगा कीवर्ड. देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं. तो पहला कीवर्ड आपका है इसमें जो कॉमन है, ये कीवर्ड आप सी सी प्लस प्लस दोनों में यूज कर रहे होंगे. यस सर. उसी स्विच स्टेटमेंट में केस भी यूज कर रहे हैं. ऑल आर इन स्मॉल केस लेटर. ब्रेक यूज कर रहे होंगे, केस भी आप यूज कर रहे होंगे. देन देयर इज अ न्यू कीवर्ड व्हिच इज न्यू फॉर यू, सी एच ए एन. देन कॉन्स्ट है ना, कॉन्स्ट ये चैनल के लिए यूज होगा. कॉन्स्ट भी आप C++ में यूज करेंगे. कॉन्स्ट का यूज बताएंगे कोई? C में हम लोग क्या करते थे, हैश डिफाइन पाई और यहाँ लिखते थे 3.14, ऐसा लिखते थे ना, सिंबोलिक कॉन्स्टेंट. तो C++ में हमारे पास ये प्रोविजन भी आ गया है कॉन्स्ट. ठीक है ना, कॉन्स्ट आपका फ्लोट या कॉन्स्ट पाई फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक है ना, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं सी प्लस प्लस में. तो कॉन्स्ट कीवर्ड जो है सिंबोलिक कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर सी सी प्लस प्लस में. ठीक है ना, देन ये कीवर्ड आप यूज करते होंगे कंटिन्यू. यस सर. कंटिन्यू आप यूज करते होंगे स्किप करने के लिए, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्किप करना है तो कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं. स्विच स्टेटमेंट में सी में भी यूज किए होंगे डिफॉल्ट. यस सर. भी यूज होगा. देन डिफर, डिफर यूज होगा. देन एल्स, इफ एल्स जैसे एल्स यूज करते थे वैसे ही यूज होगा. देन फॉल थ्रू, जैसे जैसे यूज करेंगे तब इसका समझ में आएगा. फॉल थ्रू. फॉर लूप में आप फॉर यूज करते थे. देन फंक, एक कीवर्ड आप देख रहे हैं कि हर फंक्शन के पहले यूज हो रहा है फंक. देन गो. यस सर. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी होता है सर, वो कैपिटल में है. जैसे गो स्ट्रक्ट होता है, कैपिटल है. ठीक है, गो और गो टू आप यूज करते होंगे सी में, सी प्लस प्लस में भी. यस सर. तो ये गो और गो टू यहाँ पर आपका जो है ये दोनों में जी कैपिटल होगा. गो टू जहां पर भी यूज करेंगे लेवल ट्रांसफर के लिए या जो भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. देन इफ स्टेटमेंट. देन इंपोर्ट, हैश इंक्लूड के जगह यहाँ इंपोर्ट यूज हो रहा है, इंपोर्ट. देन इंटरफेस एक यूज होगा, इंटरफेस हम लोग यूज करेंगे. मैप, एम ए पी मैप. देन पैकेज आप देख रहे हैं, पैकेज आपका यूज हो रहा है अभी. पैकेज मेन स्टार्टिंग लाइन में ही लिखे थे. देन रेंज. देन रेंज के बाद रिटर्न आप यूज कर रहे होंगे सी और सी प्लस प्लस दोनों में. कुछ कीवर्ड आपका कॉमन है यहाँ जो लिया गया वहां से. देन सेलेक्ट, सी सी प्लस प्लस में यूज कर रहे थे स्विच, यहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड आ गया आपका एक एडिशनल.
अगर कोई क्यू बेसिक करते तो वहां पर आप सेलेक्ट विजुअल बेसिक करेंगे तो वहां पर सेलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज होता है सेलेक्ट केस के लिए। तो यहाँ एक एडिशनल सेलेक्ट आ गया, देन स्ट्रक्ट, सी में आप यूज करोगे स्ट्रक्चर कीवर्ड, यस सर, स्ट्रक्ट, स्विच, ये जितना कैपिटल है, गो गो टू का पहला लेटर कैपिटल है, जो स्ट्रक्ट का एस कैपिटल है क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ है ये सब कीवर्ड, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट, देन स्विच, देन टाइप, वहां पर टाइप डेफ यूज किए होंगे, यहाँ टाइप यूज होगा, देन वेयर, ठीक है। तो दीज आर द कीवर्ड यूज्ड इन गूगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक्सक्यूज सर, बोलिए सर, इसमें ऑटो ऑटो नहीं यूज होता है क्या सर? जितना स्टोरेज क्लासेस लिस्टिंग में है वो सारा दिए हैं इसमें। ऑटो स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ऑटो एक्सटर्न रजिस्टर और ये सब सर, यस सर, नहीं दिया गया है। ओके सर, पर वेरिएबल में वेयर जो है वो कैपिटल है। हाँ, भी कैपिटल है।